हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम वेब स्क्रैपिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे वेब स्क्रैपिंग के ऊपर। बेसिकली ये मेरा डेटा माइनिंग यूजिंग पाइथन जो प्लेलिस्ट है उसके अंडर आएगा, और हम आज से 7 डेज तक वेब स्क्रैपिंग यूजिंग ब्यूटीफुल सूप एंड रिक्वेस्ट एंड स्क्रैपिंग वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम वेब पेज को स्क्रैप कर सकते हैं और ये इसका कौन सा फंक्शनैलिटी है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है गाइस। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था फेसबुक में, अगर आप लोग वो देख चुके हो तो बहुत इजी रहेगा आज का सेशन, और अगर नहीं भी देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर से, बिकॉज कैचअप करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कवर करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, और थोड़ा सा न्यू होगा। जिन्होंने वो वीडियो देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वीडियो थोड़ा सा न्यू होगा क्योंकि हम एक डिफरेंट अप्रोच लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मेन टास्क रहेगा कि हम एक वेब पेज को कॉपी करेंगे, आप कह सकते हो कि रेप्लीकेट करेंगे इंटू एन HTML फाइल। ठीक है, कोई भी वेब पेज आप कह लो, इसको एक HTML फाइल में हम रेप्लीकेट करेंगे। बेसिकली आप अगर ये करते हो तो कैसे करते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट अगर मैं खोलता हूँ, ठीक है, कि जैसे कि यूट्यूब, अगर मुझे यूट्यूब का HTML फाइल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक मिनट गाइस, इसे लोड होने दीजिए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हो सेव पेजेस में जाऊँगा और इसको सेव करूँगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे आज, हम अपना खुद का कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे, या आप कह लो कि मतलब थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे कि हमें वो यूज़ ना करना पड़े। ठीक है, स्क्रैपिंग के लिए हम इजीली अपना जो पाइथन स्क्रिप्ट है वो रन कर पाए और स्क्रैपिंग भी हो जाए। ठीक है ना, वो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे दो पैकेजेस इंपोर्ट करता हूँ। पहला पैकेज होगा मेरा ब्यूटीफुल सूप, जो आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, वो बहुत इजी है, आपको मैं दिखा देता हूँ जो लोग नए हैं यहाँ पे। अगर आपको ब्यूटीफुल सूप या रिक्वेस्ट इंस्टॉल करना है तो बेसिकली आपको पाइथन इंस्टॉल चाहिए अपने सिस्टम में। ठीक है, और पिप भी इंस्टॉल चाहिए। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में पाइथन पिप इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पे जाके अगर लिखोगे कि sudo apt get install python, हो जाएगा पाइथन 3 पिप आप लिख सकते हो तो इंस्टॉल हो जाएगा। और पिप इंस्टॉल होने के बाद आपको दो पैकेजेस इंस्टॉल करना है, तो पिप से अगर पैकेजेस इंस्टॉल करना है तो आप जो वर्जन है पिप का वो स्पेसिफाई करो, पिप 3 या पिप इंस्टॉल। उसके बाद आपको पैकेज का नाम लिखना है, जैसे मेरे केस में हो गया ब्यूटीफुल सूप तो मैं BS4 लिखूंगा, और अगर मुझे रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो RQPSPS। ठीक है, तो वो मैं लिखूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत छोटा होगा, वीडियोस अब से छोटे होंगे। ठीक है, और मीनिंगफुल होंगे। प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूंगा एक पार्ट बाय पार्ट वीडियो, तो वो बहुत इजी रहेगा क्योंकि लंबा वीडियो किसी को देखना अच्छा नहीं लगता गाइस, तो वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना जुपिटर खोल रखा है, जुपिटर आईडी हम यूज़ करेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक जुपिटर में हम करेंगे। तो जैसे कि मेरा जुपिटर ओपन हो रखा है, तो मैं क्या करूँगा, पहली चीज़ जो मुझे करना है कि दो लाइब्रेरीज जो है या पैकेजेस जो है वो मुझे इंपोर्ट करना है, और पाइथन में अगर आपको अगर लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। तो इजीली आप देख सकते हो मैं BS4 जो हमारा लाइब्रेरी है उससे एक क्लास इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है, हालांकि हम इस क्लास को आज यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी मैं इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ कैसे आपको इंपोर्ट करना है। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट, ठीक है, इंपोर्ट कर रहा हूँ, हो रहा है, हाँ इंपोर्ट हो रहा है, मतलब पैकेजेस इंस्टॉल्ड है हमारे सिस्टम में। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मैंने पिछले वीडियो में ब्यूटीफुल सूप का क्लास यूज़ करके मैंने वेबसाइट से स्क्रैपिंग किया था, अगर आप फेसबुक वीडियो में जा रहे हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहेगा, इसलिए मैंने कहा है पहले कि जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो वाला वीडियो, तो ये वो इस वाले वीडियो में कुछ भी कॉमन नहीं है, बेसिक ऑपरेशन कॉमन है, लेकिन हम कुछ अलग से टास्क करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन गाइस।
पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ रिजल्ट नाम का, उसमें हम क्या करेंगे, हम वेबसाइट का जो कंटेंट है वो स्टोर करेंगे, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से, पैकेज से, आप कह लो एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ गेट, उसके बाद में अपना वेबसाइट का नाम लिख रहा हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है गाइस कि वेबसाइट का नाम आप ऐसे ना लिखें, एक स्ट्रिंग वेरिएबल आप ले लें उसके बाद लिखें। जैसे मैं यहाँ के यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ वेबसाइट, किस वेबसाइट का करें, अमेजोन का करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस आर्गुमेंट में अपना ये वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। हो रहा है क्या? हाँ हो गया। और एक चीज़ गाइस, अगर यहाँ पे कुछ एरर आता है या आपको कोई डाउट है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है ये स्क्रैपिंग या ऐसा कुछ, तो आप स्टेटस कोड से आप चेक कर सकते हो। अगर मैं स्टेटस कोड देख, यहाँ पे मेथड होता है स्टेटस कोड नाम का, तो वहाँ पे अगर मैं चेक कर लूँ, ठीक है, प्रिंट करता हूँ स्टेटस कोड को, तो आप देख सकते हो। अगर 200 आता है तो आपका वेब पेज स्क्रैपिंग सक्सेसफुल है, और अगर नहीं आता है तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि क्या आ रहा है। लेट्स सी गाइस, एक हाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखा था, तो हाँ 200 आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो वेब पेज है वो स्क्रैप हो चुका है। अभी हम यहाँ से कुछ क्या करेंगे, हमारा बेसिक टास्क क्या था, हम वेबसाइट को क्लोन करेंगे, ठीक है। एक अमेजोन का वेबसाइट है, उसका HTML वर्जन हम डाउनलोड करेंगे, और आप देख सकते हो मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पेज का सोर्स देखना ज़रूरी है, तो मैं पेज का सोर्स एक फाइल में सेव करता हूँ, ठीक है, तो एक सॉरी वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। तो ये है मेरा वेरिएबल, और इसके अंदर मैं रेज डॉट अगर कॉन्टेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या लगता है गाइस, स्टोर हो पाएगा या नहीं? लो, शायद स्टोर हो गया, क्या पता। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सोर्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ यहाँ पे समझ नहीं आएगा क्योंकि एक साथ सब कुछ लिख दिया है। अगर हम prettify फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में किया था ब्यूटीफुल सूप में, हमने इस क्लास को इम्पोर्ट कर यूज़ करके हमने prettify मेथड का यूज़ किया था, तब ये जो सोर्स कोड है ये थोड़ा सा ढंग का आया था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच कर रहे हैं गाइस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। हर टाइम पे एक ही वे में जाना है ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम कुछ और ट्राई कर रहे हैं आज, और कल भी कुछ डिफरेंट ट्राई करेंगे। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पेज सोर्स को एक वेरिएबल में स्टोर किया है। अभी मेरा मोटिव क्या था गाइस, मुझे क्या करना है, इसको अगर मुझे एक और मतलब पेज में सेव करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, एक ब्लैंक HTML फाइल। उसके बाद ये जो आपको वेरिएबल दिख रहा है पेज सोर्स, इसके जो भी कॉन्टेंट्स है, मतलब ये आपको मतलब राइट करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। लिनक्स में ही ऐसा पॉसिबल है, आप राइट कर पाओगे टर्मिनल से, क्योंकि लिनक्स का टर्मिनल बहुत स्ट्रांग है। आपको कमांड्स मैंने पिछले वीडियो में या आप कह लो कि उबंटू के बूट कैंप में मैंने दिखाया था कि कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करूँगा, पाइथन 3 का पैकेज, जो मुझे अलाउ करेगा कि मैं लिनक्स टर्मिनल में जो कमांड्स मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ कर पाऊँ पाइथन के प्रोग्रामिंग में, कि पाइथन के जो कमांड, पाइथन का जो स्टेटमेंट है वो एज ए लिनक्स कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो ये पॉसिबल है गाइस, ये मैं आज दिखाऊंगा। इसके ऊपर भी मैं अलग सा एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा आपको ऐसे शॉर्टकट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने सब प्रोसेस एक मॉड्यूल है वो मैंने इम्पोर्ट किया है, ठीक है। पेज सोर्स यहाँ पे है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे अगर सब प्रोसेस ऐसा एक मॉड्यूल है जहाँ से हम पाइथन की स्टेटमेंट के थ्रू हम लिनक्स का कोई भी कमांड रन कर पाएंगे,
कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ सब प्रोसेस डॉट गेट आउटपुट जो फंक्शन उसके थ्रू अगर मैं कोई भी कमांड पास करूँ लिनक्स का कमांड, जैसे डेट कमांड हो गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डेट कमांड पास करूँ तो आप देख सकते हो कि डेट कमांड आ रहा है, ठीक है। तो यही फंडा है गाइस कि आप देख सकते हो कि कोई भी कमांड मैं रन कर पाऊंगा, ठीक है, कैल कमांड भी हम रन कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैल कमांड रन कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे और उसमें ये जो पेज है, पेज के कॉन्टेंट्स है उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रिप्ट के थ्रू ये एग्जीक्यूट करेंगे गाइस। एक मिनट, अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ डॉट पी वाई फाइल में, ठीक है, तो ही ये पॉसिबल है, ठीक है। हम डाउनलोड करते हैं इसे डॉट पी वाई फाइल में, क्योंकि हमें वो स्क्रिप्ट रन करना है गाइस, तो ये यहाँ पे पी वाई एन बी फाइल में नहीं होगा, ठीक है। तो हम सेव करते हैं इस फाइल को, अभी डाउनलोड्स में है ये फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रहा हमारा फाइल, फाइल वन डॉट पी वाई, इसको हम कॉपी करेंगे कहाँ पे, कहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी करते हैं फाइल का नाम लिखना है, भूल गए, एक मिनट। ओके, हाँ शायद हो गया, देखते हैं अभी सीडी, तो यहाँ पे फाइल आ गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा गाइस, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये मैं कमेंट कर देता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा है वैसा रहने दीजिए। बस इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस, पेज सोर्स आएगा, ठीक है, जो सोर्स कोड है वो आना चाहिए आउटपुट। पहले इसे एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं सी एच मोड से, एग्जीक्यूट हो गया। अभी इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो पाइथन 3 से भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरा सोर्स कोड आ रहा है आपको आउटपुट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जुपिटर को रन करवा रहा हूँ, एक और फाइल बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम इंपोर्ट करेंगे सब प्रोसेस मॉडल, और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा इनपुट फंक्शन से कि आपको फाइल नेम जो सेव करना है उसका नाम क्या देना है, ठीक है, ऐसा कि इनपुट फंक्शन आएगा। इसको मैं INP से कर रहा हूँ, वेरिएबल सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको क्या किया जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे सब प्रोसेस के थ्रू हम वो HTML फाइल बनाएंगे गाइस, ठीक है।
आउटपुट, यहाँ पे मैं अपना कमांड लिखूंगा। तो फाइल को राइट करना है गाइस। अगर आपने उबंटू वाला वीडियो देखा होगा कि मैंने जहाँ पे बूट कैम्प वाला पूरा कोर्स मैंने अपलोड किया था, वहाँ पे मैंने आपको अपेंड फंक्शन दिखाया था, आपको अपेंड सॉरी राइट फंक्शन दिखाया था आपको कि ये साइन अगर हम यूज़ करेंगे तो राइट कर सकते हैं हम, और ये साइन अगर यूज़ करते हैं तो अपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने कैट यूज़ करके मैंने डेट कमांड को एक फाइल में रन किया, अपेंड किया था, सॉरी राइट किया था। तो सेम टेक्निक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइल नेम यहाँ पे हमको देना है और कुछ नहीं गाइस, और पूरा हमारा सिस्टम काम कर देगा, बाकी जो काम है पूरा सिस्टम कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं बैश स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, हमारा जो पाइथन फाइल है उसको रन करवा रहा हूँ मैं .slash यूज़ करके। आप पाइथन 3 भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं पाइथन 3 से आपको दिखवाता हूँ। ठीक है, और इसका जो आउटपुट आएगा गाइस, इसका क्या आउटपुट आएगा, पूरा सोर्स कोड आएगा, इसको हम एक फाइल में लिखेंगे। ठीक है, और फाइल नेम तो हमने इनपुट ले लिया था, तो यहाँ पे क्या होगा डॉट फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने फाइल नेम इनपुट दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं सेव कर पाऊंगा। ठीक है, तो रन करना चाहिए ना, हाँ देखते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ आपको पूछा जाएगा कि कौन से फाइल में सेव करना है। मैं सेव कर रहा हूँ पैरोडी पेज से, पैरोडी पेज सॉरी, या आप कह लो कि अमेजोन क्रोम डॉट html। ठीक है, फाइल नेम देना ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ और एंटर करता हूँ, क्या हो पाएगा देखते हैं गाइस, शायद हो गया। हम क्या करते हैं, हम उस डायरेक्टरी में जाते हैं। ठीक है, उस डायरेक्टरी में जाके देखते हैं कि क्या क्या ये हो रहा है या हमारा फेल हो गया इसी वजह से। तो फाइल बन चुका है आई थिंक अमेजोन क्लोन डॉट html। अगर मैं फायरफॉक्स से रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो कि फाइल मैंने बना लिया है ऑलरेडी। ठीक है, देखते हैं गाइस क्या होता है क्या। तो आप देख पाओगे यहाँ पे वेब पेज क्लोन हो चुका है। ठीक है, कुछ कुछ कॉन्टेंट्स यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो स्क्रिप्ट है, वो सर्वर रन होता है तो इसीलिए। लेकिन अगर कोई ब्लॉक साइट होता तो पूरा कॉन्टेंट वो क्लोन कर लेता। ठीक है, और फिर हम यहाँ से कुछ मीनिंगफुल डेटा जो हमें ज़रूरत है वो हम निकाल पाते। ठीक है गाइस, तो ये है एक सिंपल सा एक्सरसाइज था, वो मैंने कंप्लीट किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्यूटीफुल सूप से भी हम सेम चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल सूप क्लास यूज़ ही नहीं किया है, मैंने बस रिक्वेस्ट मॉड्यूल से मैंने किया है। एकदम सिंपल सा प्रोग्राम है, बेसिकली जो हमने पिछले वीडियो में किया था वही हमने किया है, ताकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ऑडियंस को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने ये चूज़ किया था। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं गाइस, अच्छे से डेटा माइनिंग पढ़ेंगे और दो कोर जो लाइब्रेरीज है वो अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो सूप और स्क्रैप। ठीक है, हम पाइथन से ये करेंगे डेटा माइनिंग, और उसके बाद मैं डेटा माइनिंग के बारे में बात करूँगा, उसका एक इंट्रोडक्शन होगा अगले वीडियो में। ठीक है, ओके, सो कंक्लूड करते हैं गाइस।